हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ भरवा करेला। तो ये मैंने करेला ले लिए हैं। करेला इस तरह का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मसाले अच्छे से इसमें आ जाते हैं। तो जैसा भी मिला है मैंने वैसा ले लिया है। तो चलिए इसको पहले ऊपर से इसका कवर निकाल लेते हैं। तो इसको पील कर लेंगे, ये ऐसे निकाल लेंगे इसका कवर। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से बड़े आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से सबको साफ कर लेंगे। करेले को अच्छे से साफ कर लिया है। इसको ना ये जो बीच में से कट करेंगे एकदम बीचों बीच। इसका जो बीज है ना इसको बाहर निकालना है। चम्मच की मदद से बाहर निकल जाएगा, ये चम्मच का उल्टा भाग करके। कैसे से करके इसको निकालना है। तो ये देखिए मैंने साफ कर लिया है। इसी तरह से सबको सबके बीज को बाहर निकाल लेंगे। तो सब में से मैंने बीज को निकाल लिया है। तो इस पे डालते हैं नमक। नमक को अच्छी तरह से इसमें रफ कर देंगे अंदर बाहर। इससे क्या होता है ना, इसमें से जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है, काफी हद तक कड़वापन निकल जाता है पानी के साथ। अभी ये पानी छोड़ने वाला है, तो 10 मिनट के लिए मिक्स करके इसको नमक अच्छे से रफ करके रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये मैं कुछ मसालों को भून लूंगी। इसमें है मेथी, जीरा, राई और सौंफ और चिरौंजी। पांच फोरन होता है ना वो मसाला, इसको हल्का सा सॉटे कर लेना है। तो मसालों को मैंने भून लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है धनिया पाउडर। आपके पास अगर खड़ा धनिया हो तो उसको हल्का सा भून लेना है। धनिया पाउडर भून चुका है, इसको निकालेंगे। ये पचफोरन जो मैंने भून लिया इसको पीस लेंगे। और ये ले लिया मैंने दो प्याज और थोड़े से लहसुन। तो इन दोनों को भी एक साथ पीस लेंगे और इसको अलग से पीस लेंगे। फ्रेंड, मैंने ले लिया एक प्लेट। तो ये जो धनिया को मैंने भुना हुआ था, धनिया पाउडर, वो ले लेते हैं इस प्लेट में। और जो पचफोरन को मैंने पीस लिया है भून के, वो भी ऐड करेंगे इसी के अंदर। लहसुन और प्याज का पेस्ट। और साथ में ले लिया है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच। और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और स्वाद के अनुसार नमक। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो मैंने ये फिलिंग को तैयार कर लिया है और ये एक नींबू का रस भी ऐड करेंगे इसमें। तो इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है।
फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो करेले को नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया था, और फिलिंग को भरेंगे इसके अंदर, करेले के अंदर। तो फिलिंग को कर लेते हैं साइड में। करेले का ऐसे मुंह खोल के स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे, ऐसे हल्का हल्का दबा दबा के प्रेस करके। तो देखिए ऐसे प्रेस कर करके मैंने भर दिया है। तो इसी तरह से सारे करेले को भर लेंगे। पैन को चढ़ा दिया गैस पे और गैस को कर दिया ऑन। तो डालेंगे इसमें तेल, तेल को डाल दिया है पैन में, तो हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। हल्का सा गर्म हो चुका है और गैस को मीडियम टू लो ही रखना है। ये भरवा करेला, ये इसका मुंह देखिए ऐसा है, तो किसी से मैंने पैक नहीं किया है। कुछ भी आपको लगे कि निकलेगा तो यहाँ पे हल्का सा कुछ दोनों तरफ से पिन कर दीजिए। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर करेला, इसका मुंह ऊपर की तरफ ही रखेंगे करेले का जो मसाला है, नहीं तो नीचे की तरफ रहेगा तो गिर जाएगा। और इसको कर देंगे कवर और लो ही फ्लेम पे इसको पकने देंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो गया है, तो चेक कर लेते हैं तो पक क्रैक नहीं। तो ये मैं चिमचा होता है ना उसकी मदद से हल्का हल्का सा चेक कर लेते हैं, ये पक रहा है धीरे धीरे। कवर करके रख देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये पक चुका है, 1-2 मिनट में पक जाएगा। 80% पक चुका है। करेला रेडी हो चुका है, ये पूरी तरह से पक चुका है। तो ये देखिए करेला एकदम रेडी हो चुका है खाने के लिए, कि मसाला भी कितने अच्छे से पक गया है सबका। तो बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।